तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है और किस तरह का उनका सफर रहा राजनीतिक, ये हम आपको बता रहे थे। हमारे सहयोगी राहुल जब्बास इस वक्त अरुण जेटली के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, अभी वहाँ क्या लोगों का आना शुरू हुआ है या क्या अभी जानकारी आपके पास? देखिए, अभी लोगों का बहुत ज़्यादा आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पहले की बात है, 12:07 पे जब अंतिम सांस अरुण जेटली ने ली थी, और उसके बाद जो भी उनके करीबी हैं वो सीधा एम्स पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेताओं की बात करें वो भी एम्स पहुंच रहे हैं। कुछ वकीलों से हमारी बात हुई जो अरुण जेटली के बेहद करीबी रहे हैं, वो सुबह से ही एम्स पहुँच गए थे, क्योंकि तकरीबन 9 और 10 बजे के बीच में डॉक्टर्स ने इतला कर दी थी कि कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। तो परिवार के सदस्यों की बात हो, राजनीति गलियारे के बड़े VVIPs की बात हो, बीजेपी के नेताओं की बात हो, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बात हो, वो तमाम लोग एम्स पहुंचे हैं। यहाँ आना, घर पर आना तकरीबन 1 घंटे बाद शुरू होगा, जब पार्थिव शरीर को यहाँ यानी ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के पास जो कैलाश कॉलोनी है यहाँ लेकर आया जाएगा। फिलहाल अगर प्रशासन के लिहाज से देखें तो कुछ सड़कों को 1-वे कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है, दिल्ली पुलिस को लगाया गया है, बाकायदा एक बैरिकेडिंग की गई है जिसके आगे मीडिया कर्मियों को जाने की इजाज़त नहीं है। यानी जो घर है अरुण जेटली का, हम उन्हें डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ये फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है और जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उन्होंने हमें कहा है। और ये 1 से 1.5 घंटे बाद होगा जब यहाँ पर VVIP मूवमेंट ज़्यादा शुरू होगा, और उम्मीद ये है कि 1 से 1.5 घंटे में पार्थिव शरीर को यहाँ लेकर आ जाएगा। तब तमाम बड़े नेताओं की बात करें, बड़े वकीलों की बात करें, करीबियों की बात करें, आस पड़ोस की बात करें, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल कुछ पड़ोसी ज़रूर हैं जो यहाँ पर कैलाश कॉलोनी के रहने वाले हैं, ग्रेटर कैलाश के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर घर पर पहुंचे हैं। लेकिन VVIP मूवमेंट की बात करें तो रूट जरूर लगाया गया है, तैयारियां जरूर की गई है, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं, अभी एम्स में ही ज्यादा मूवमेंट है।